Yes, yesterday also we have discussed that this is a fourth financial tool which is being prepared by every company in order to know applications of cash and cash equivalent. Do word use kya karenge hum is chapter mein, applications of cash and cash equivalents. And secondly, applications means apne paisa kahan lagana hai. लगाने से पहले आपको ये देखना है पैसा कहाँ कहाँ से आएगा. फॉर दैट वी यूज अ वर्ड सोर्सेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस सीई. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कैश, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस चैप्टर में. वी विल बी कॉलिंग इट आउटफ्लोज ऑफ कैश, मींस कैश कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ हम पैसा लगा रहे हैं, राइट. And when we talk about sources of cash and cash equivalent, we will be using a simple terminology for it, that is inflows of cash and cash equivalents. So it is a statement being prepared to know about inflows and outflows of cash and cash equivalent during a particular time period. During a particular time period, aapne kitna paisa aapke paas aaya, cash or cash equivalent aaya, aur kitna paisa aapne kahan kahan lagaya. That day also we were discussing that the whole chapter is dealing with three types of activities. Let me remind it. That is operating activities. Pure chapter mein jab hum numericals karenge, we will be talking about operating activities. Then we are having investing activities. Then last but not the least, we are having financing activities. इन तीनों एक्टिविटीज में हमारा चैप्टर बाइफरकेट है. इन तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, दैट वी विल सी इन आवर बुक. सो लेट्स सी हाउ ही प्रोसीड्स इन योर बुक. उसने पहले आपको कैश फ्लो का मीनिंग बताया होगा. सो दिस इज चैप्टर नंबर 5th, फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, दैट इज 5.1. देखो फर्स्ट टू लाइंस, व्हाट आई टोल्ड यू, दैट सेम वर्डिंग ही इज राइटिंग. इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. Let me tell you what is the meaning of cash and cash equivalent first. पूरे चैप्टर में हमने बार 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 इक्विवेलेंट्स की ही करनी है. अकेले कैश का मतलब है कैश इन हैंड. जो हार्ड कैश आपके पास है, आपके कैश बॉक्स में पड़ा है, दैट इज कैश. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स देन? दीज आर दोज एसेट्स, आई मस्ट से करंट एसेट्स, which can readily be converted into cash. Readily means very easily. Readily be converted into cash. Like your bank balance. What we call it? Cash at bank. आपका अपना पैसा है और being a company, आपका पैसा करंट अकाउंट की फॉर्म में बैंक में पड़ा होगा. जब आप चाहो आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो. So that is equivalent to cash. Cash at bank. Then we have DD, which we call demand deposits. आपने ये पैसा बैंक में जमा करवाया और जब आप इसे डिमांड बैक करेंगे आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा. This is what we call demand deposits. Then we have short term investments. Short term investments का time period आमतौर पे less than 1 year होता है. जब आप चाहो आप उसे cash में convert कर सकते हो. We call it short term investments. And few more things he is writing in your book. Let me tell you, and you have to put a tick or you have to underline that concept also, whereby he is talking about cash equivalents. So let's see cash equivalents की बात कहाँ पे कर रहा है? Cash equivalents कहीं पे इतना आगे तो नहीं होगा. First page पे ही देखें. Yes, page number 5.4 पे आ जाइए. Whereby he has given us a box. एक चीज बच्चों आपको और याद रखनी है, लाइक एज पर कंपनी सेक्ट 2013 देयर वर सर्टेन अमेंडमेंट्स, और उस अमेंडमेंट्स में से एक अमेंडमेंट हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी हुई थी. तो जो एट प्रेजेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट वी विल बी प्रिपेयरिंग एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग. AS3 आपकी टॉप हेडिंग हुआ करेगी जब आप न्यूमेरिकल में इसे लिखेंगे. AS3 के अकॉर्डिंग आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है. AS means accounting standard 3 को फॉलो करते हुए वी प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट. स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में मेंशन है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3. सो कैश इक्विवेलेंट्स, पहले कैश का मीनिंग देखिए. कैश मींस कैश इन हैंड एंड इवन डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक.
ही इज कॉलिंग कैश. तो दो चीजें कैश में हुई. आई वॉज स्पीकिंग दैट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक इज कैश इक्विवेलेंट, बट इन योर बुक ही सेज डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक इज ऑल्सो योर कैश. क्योंकि जैसे ही आप बैंक से डिमांड करोगे वो आपको आपके कैश निकलवाने से रोक नहीं सकते. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कैश, हार्ड कैश ही मानेंगे. सो कैश की दो एग्जाम्पल्स हैं, वन इज कैश इन हैंड एंड अदर इज डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच वी कॉल कैश इक्विवेलेंट्स. सो लेट्स सी कैश इक्विवेलेंट्स क्या है. कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म है मीन्स लेस देन वन ईयर उसका टाइम पीरियड होगा. हाईली लिक्विड का मतलब है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से वो कैश में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. मैंने भी वर्ड लिखा था रेडिली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश. रेडिली मीन्स बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है. एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इन यस दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू. ये वो इन्वेस्टमेंट है जिनके ऊपर रिस्क ना के बराबर, मीन्स जितना आपने इन्वेस्ट किया था आपको उतना ही वापस मिलेगा, प्लस कुछ उसमें से इंटरेस्ट भी मिल सकता है. तो ये नहीं है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही डूबेगी. एज द टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट तो रिस्क भी ना के बराबर होगा ना. तो इनकी वैल्यू में चेंजेस बहुत कम आती है, ना के बराबर और निग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क रहता है इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर. An investment normally qualifies as cash equivalent only when it has a short-term maturity 3 months or less than the date of or less from the date of acquisition. मतलब highly liquid investment वो होती हैं जिनका time period सिर्फ एक quarter का है, 3 months only. मैंने बोला less than 1 year. So he is specifying वो सारी investment जिसका time period सिर्फ 3 महीने का होता है, 3 महीने के बीच बीच वो mature हो जाती हैं. From the date of acquisition means from the date of purchase. So that all investments we will be categorizing under cash equivalents. Now I have such an examples of cash equivalents. Cash in hand, theek hai. Cash at bank is cash equivalent. Checks and drafts on hand. Aapko koi check mila hai, aapki company ke naam ka koi draft aaya hai, wo cash equivalent hai. Short term investment ka bar bar naam is book mein marketable securities hoga. So marketable securities is a part of your cash equivalent. Then short term deposits with the bank. आपने 2-3 महीने के लिए बैंक के पास अपना पैसा जमा करवाया है, वो आपका क्या माना जाएगा? Cash equivalent. So these are the few things which you have to keep in your mind when you will be solving the numerical. Cash equivalents and cash. दोनों में आपको difference पता होना चाहिए. Again I am coming to page number 5.1. Yes, again he is repeating cash equivalent. वहाँ पे उसने लिख दिया yes. Then I told you we will be preparing cash flow statement as per accounting standard 3. And in bracket, he always write the word revised. क्योंकि 2013 में इसका format revised हुआ था और ये accounting standard 3 भी revised हुआ. ठीक है. So accounting standard 3 में जो भी revision हुई, जो भी changes हुई, उसके according जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके साथ हम लोग AS3 रिवाइज्ड वर्ड जरूर लिखा करेंगे व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स. वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट. हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड आज से 8-10 साल पहले हुआ करता था, बट नाउ इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, राइट. देन आई टोल्ड यू अबाउट 3 एक्टिविटीज. उसने भी पहले पेज पे 3 एक्टिविटीज के नाम लिखे हैं. लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट आई erase that thing. This is operating activity. Operating activities are those activities which are the major revenue producing activities of a business. So first sequence mein chalega hamesha. One is operating activities, then we have investing activities. When you will be purchasing non-current assets or non-current investments, unhe investing activities kaha karenge, ing ke saath. And financing में we will always be referring the sources of finance. जब आप पैसा borrow करेंगे या अपने debenture holders को या bankers को loan या debentures की repayment करेंगे, that all activities will be called financing activities. So whole chapter revolves around these 3 activities plus cash and cash equivalents, right? If somebody asks from you what are the objectives, मैंने theory का बस क्या objectives तक करवाना है, importance we will be picking at the last. When we will be finishing the numerical, you will be having a clear cut idea कि basically chapter में होता क्या है. Then we will be picking this theory topic, right? Objectives मैंने तीनों जरूर करवाने हैं. जब मैंने आज का lecture start किया, I wrote 2 words. One is applications of cash and other is sources of cash. तो उसने भी पहली line में यही लिखा. Why do we prepare cash flow statement to determine sources of cash and cash equivalent under all the 3 activities? इन तीनों एक्टिविटीज में पैसा कहां कहां से आ रहा है, दैट इज सोर्सेज ऑफ कैश. उसके बाद वो अगला वर्ड क्या यूज करेगा, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द और टू डिटरमिन द एप्लीकेशंस ऑफ कैश.
आपने पैसा कहाँ कहाँ लगाया इन तीनों एक्टिविटीज में. सो ही इज राइटिंग अ लाइन टू डिटरमिन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग कॉमा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. उसने अगला ऑब्जेक्टिव बनाया टू डिटरमिन द एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. राइट, सो दीज आर द फर्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्स. देन लास्ट स्टेप न्यूमेरिकल में भी यही होता है टू डिटरमिन द चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मैंने बोला तीन एक्टिविटीज प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके हाथों में जो कैश है या कैश इक्विवेलेंट है उसमें क्या चेंजेस आई, उन चेंजेस को डिटरमिन करने के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. और एक बार पूरे चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ओनली. राइट, when we are talking about inflow and outflow of cash only, so we will outrightly discarding the activities which are not involving any cash transaction, like depreciation charged, that is non-cash item, like patent types rights written off, non-cash item, like goodwill written off, non-cash item. So non-cash items are not to be treated herein. Humne sirf kaun si items leni hai which are involving inflow and outflow of cash. So let's begin the numerical portion. पहले तीन एक्टिविटीज होंगी, उन तीन एक्टिविटीज के बाद हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ट्रीट करेंगे. उन तीनों एक्टिविटीज में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जो एक्टिविटी है दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो वी विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चन विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी. राइट, और एक बार जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा ही विल बी गिविंग यू अ फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट प्लस फ्यू एडजस्टमेंट. जैसे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में होता था ना, एडजस्टमेंट दी होती थी, आप ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ वहां पे ट्रायल बैलेंस गिवन होता और एडजस्टमेंट्स होती. इस क्वेश्चन में क्या हुआ करेगा, आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी होगी, मींस करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी. अब सिखाई है ना आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट विल बी गिवन प्लस फ्यू एडजस्टमेंट्स. हमारा जो सीबीएसई का पैटर्न है तीन या चार एडजस्टमेंट्स मैक्सिमम आती है और छह नंबर का क्वेश्चन है ये. राइट, सो उन एडजस्टमेंट्स की हेल्प से प्लस बैलेंस शीट के कंटेंट से यू विल बी प्रिपेयरिंग योर कैश फ्लो स्टेटमेंट. राइट, सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग इट एज पर AS3 रिवाइज्ड. वी विल बी बिगिनिंग विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑल द थ्री एक्टिविटीज आर टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस स्टेटमेंट. आई विल बी गिविंग द टॉप हेडिंग हियर. Usually the cash flow statement is being prepared at the end of the year, right? Cash flow statement as per AS3 in bracket, I will always write revised. Bracket close. Done. Yahan pe reflection. So as per AS3 मैं नीचे लिख देती हूँ, as per AS3 revised. In bracket you will be writing revised. I will try कि मैं उस formula पे नहीं लिखूँ क्योंकि उधर reflection है light. So how we will proceed with this format? First column will be broader enough क्योंकि सारी calculation plus or minus यहीं पे होनी है and that column we will write particulars. That column will be of particulars. दो ही column बनाने बेटे. One is of particulars. Here we will be writing amount. साथ में लिख दो इंडियन करेंसी राव. We will be writing the amount. We will start the question with net profit earned during the year. Every time we will start the question with net profit earned during the year and how the net profit you will get from the question, that is the difference of current year profit and last year profit. I just want to tell you that where he has prepared the full-fledged format that I am searching from a book. So that you can have an idea how he will proceed. You know, activities ke baad hai mere ko a format. Humne sara format pehle karna aur fir question start karenge. Yes, on page number 5.57. Now, Matt, on page number 5.57. Upper heading banayenge pehli activity because I'm starting with operating activities. So, in your book, he give it a heading number one, cash flow from. This flow may include inflow as well as outflow. So, he makes the first heading cash flow from
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपने पूरा वर्ड एक्टिविटीज लिखना है, ठीक है. देन ही स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. ईओआई को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. ई कैपिटल, ओ कैपिटल, आई कैपिटल, आपने वैसे इसको पूरा लिखना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एट द लेटर स्टेज वी विल रेफर व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. लाइक एक एग्जांपल दे देती हूँ, अर्थक्वेक के कारण आपकी बिल्डिंग का डैमेज हुआ और उससे क्लेम मिला. जो क्लेम मिला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है. सो हाउ दैट इनकम्स आर टू बी ट्रीटेड इन दिस चैप्टर दैट वी विल सी. सो पहला आपने पॉइंट क्या ढूंढना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अब ये जो टैक्स है, ध्यान से सुनना, साथ में जब आप फॉर्मेट देखते हो ऑन पेज नंबर 5.57 ही रोट हेयर अबाउट एज पर वर्किंग नोट. हमें जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, आफ्टर टैक्स, राइट. आपने वो प्रॉफिट ले लेना है, प्रॉफिट अर्न. वर्किंग नोट्स में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वो आप लिखोगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर देना. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में मान लें 80,000 है और करंट ईयर में वो प्रॉफिट बढ़ के 2,50,000 हो गया. फ्रॉम 2,50,000 आई विल बी डिडक्टिंग 1,80,000 एंड यू विल बी हैविंग द डिफरेंस 70,000. हाँ बेटा जी, रिवर्स भी हो सकता है, लाइक प्रीवियस ईयर में 250 हो और करंट ईयर में कितना हो जाए 180, देन योर आंसर विल कम इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव मींस दैट इज लॉस एंड दैट फिगर यू विल बी राइटिंग इन ब्रैकेट. So it is not essential that every time the profit will be there. Sometimes the loss can be there that we will be referring in different questions and different illustrations, right? उसके बाद आपने यहाँ पे चार adjustments करनी है क्योंकि आपको profit before tax चाहिए. आपको question में provision for tax दे रखा होगा, current year का भी previous year का भी. आपने उसमें से current year का provision for tax उठाना है और इसमें add कर देना, क्योंकि वो already provision for tax इस profit में से minus हो चुका होगा. आपको profit before tax चाहिए. आप अपना याद करो वो वाला point जब आप ratio analysis में ROI निकाला करते थे, return on investment, thereby you were calculating EBIT, EBIT जिसे मैं कहती थी earning before interest and tax. तो tax हम add किया करते थे ना before करने के लिए. So same case we are following here. You will be finding your provision for tax and that current year का. आपको question में दो तरह के provision for tax दे रखे होंगे. आपने करंट ईयर का क्या करना है, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, डन, दैट यू विल बी एडिंग. देन जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी आपको दो सालों के दे रखे होंगे. मान लो प्रीवियस ईयर का 70,000 है, करंट ईयर का 1,00,000 है, सो जनरल रिजर्व बढ़ गया. दैट जनरल रिजर्व मेड ड्यूरिंग द ईयर माना जाएगा और ये माना जाएगा कि वो इस प्रॉफिट में से बनाया गया है. आपने वो भी एड बैक कर देना है क्योंकि आपको चाहिए ओरिजिनल में प्रॉफिट कितना हुआ, टैक्स से पहले, जनरल रिजर्व से पहले आपका प्रॉफिट कितना था, ठीक है. और वैसे भी जनरल रिजर्व की क्रिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, यू नो, जब वो नॉन कैश आइटम है तो उसे एड करना है ना. आप उसे माइनस कर चुके हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना के, लेकिन अब आपने उसे क्या करना है, एड बैक करना है. एड जनरल रिजर्व मेड ड्यूरिंग द ईयर, जर्नल रिजर्व में दोनों का डिफरेंस. देन वी हैव परपोज्ड डिविडेंड. परपोज्ड डिविडेंड आई एम डाउटफुल परपोज्ड डिविडेंड का क्या करता है बिकॉज दो सालों से उसकी ट्रीटमेंट चेंज हो चुकी है. लेट्स सी परपोज्ड डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड आपको हमेशा परपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर लेना भाई. परपोज्ड डिविडेंड आपको दो सालों का दे रखा होगा और परपोज्ड डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड नाउ अ डेज. It is a contingent liability. So it will always be given after the balance sheet. ठीक है, जिनके पास पुरानी बुक होगी उनका हो सकता है कि proposed dividend वो within balance sheet दे, लेकिन वो पुरानी treatment है. So proposed dividend of previous year is always to be added. ये मान के चलते हैं कि proposed dividend जो पिछले साल का proposed किया था वो इस साल आपने क्या कर दिया है, pay कर दिया है. लेकिन that is also not your regular event. ऑपरेटिंग ये वो रेगुलर ऑपरेशन नहीं है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर भी आपने एड बैक करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर. दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच जो डिविडेंड पे किया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं. सो ओवरऑल फोर आइटम्स आर टू बी एडेड. देन यू विल बी अराइविंग एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, राइट.
अब जरूरी नहीं है जब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो वो चारों आइटम्स दे, कोई एक आइटम हो सकती है या दो आइटम्स हो सकती है, लेकिन आपको चारों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर इज टू बी एडेड, लेट मी चेक, हाँ करंट ईयर ही है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर इज टू बी एडेड, जनरल रिजर्व दोनों रिजर्व को माइनस करके करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करके जो आपके पास फिगर आएगी दैट विल बी योर जनरल रिजर्व मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड आपने लेना ही प्रीवियस ईयर का है, एंटायर इन डिविडेंड आपको हमेशा वर्किंग नोट्स के फॉर्म में दिया होगा, जो नीचे दिया होगा आपने वो एड कर देना है। Yes. उसके बाद पेज नंबर 5.58 पे देखो, ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यू ईओआईज आल्सो, ईओआईज कहता माइनस करनी है, लाइक रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आपने पिछले साल ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, अगर आपका उस टैक्स की वापसी आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो उसे रिफंड ऑफ टैक्स कहते हैं, वो रिफंड ऑफ टैक्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, वो देखेंगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे यू विल हैव एन आईडिया। This is our beginning point. Means beginning point में भी आपने working notes में add और less करके जो figure आएगी वो आपने top पे लिखनी है। So पहला point clear हो जाना चाहिए, that is net profit before tax and EOI how we have to compute. I will stop here only because इससे related मेरे पास कुछ examples हैं. So let's see first example इसने कैसे start करी. देखो जी, how he has started the chapter. पेज नंबर 5.4 पे आ जाओ बच्चों, 5.4 वेयर बाय ही इज टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज़ व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल आल्सो आई हैव टू स्ट्रेस अपॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट, सो यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइंग दोस एक्टिविटीज इन योर न्यूमेरिकल, फॉर दैट ही इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन बेसिस। Accounting Standard 3 revised prescribes that changes resulting in inflows and outflows of cash and cash equivalents under 3 activities, and that 3 activities are operating, investing and financing. इसी तरह से तीनों chain में चलेंगी। Operating activities की definition देखिए, he use a word principal revenue producing activity. Principal का मतलब यहाँ पे school या college का principal नहीं है, principal का meaning यहाँ पे main revenue producing activity. वो सारी एक्टिविटीज जो आपको इनकम अर्न करने में हेल्प करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज विच हेल्प अस टू अर्न रेवेन्यू, लाइक रेंट पे, सैलरी पे, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को रेंट पे नहीं करती, अगर मैं अपने लैंडलॉर्ड को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं पे करती और लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं पे करती, विल आई बी एबल टू रन माय ऑपरेशंस इफेक्टिवली, नो। सो ऑल दोस एक्टिविटीज विच हेल्प अस अ लॉट टू रन आवर ऑपरेशंस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, दैट्स ऑल एक्टिविटीज वी कॉल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। और उसने और सिंप्लीफाई कर दिया, वो सारी एक्टिविटीज जो ना तो इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, इट मींस कि वो कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो ही सिंप्लीफाइड आल्सो। चलिए जी अब एग्जांपल्स देखें। और एक बात, पूरे चैप्टर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, दिस इज फर्स्ट डे, स्लोली यू विल फाइंड दैट इट इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर आल्सो। पूरे चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग कंपनीज, फाइनेंसिंग वर्ड ही लिखता नहीं, वी कॉल इट फाइनेंशियल कंपनीज and non-financial companies. इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बेटा जी, financial companies आपको पता होना चाहिए, वो companies होती हैं जो finance में deal करती हैं, means जो लोगों को पैसे उधार पे देती हैं और बदले में उनसे ब्याज और interest लेती हैं, या ये companies वो होती हैं जो shares में deal करती हैं, shares की brokerage करती हैं, लोगों को shares खरीद के देती हैं, अपना फालतू पैसा shares में invest करती हैं in order to earn huge amount of dividend etc. So all those companies which are dealing in financial assets like shares, debentures, like providing loan to the public etc. on interest basis, that all companies we call financial companies. मेरे को एक mind में नाम आ रहा है, that is PKF. PKF is Punjab and Kashmir Financing Company. So in Mudut Finance Company, ठीक है, gold loan पे भी आपको क्या देते, gold पे भी loan देते हैं. So these companies are dealing in financing activities. So that companies are financial companies.
राइट और नॉन फाइनेंशियल कौन सी होंगी जो फाइनेंस में डील नहीं करती, लाइक शुगर मिल हो गई, टेक्सटाइल कंपनी हो गई, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गई जो स्पेयर पार्ट्स बना के बेचती है, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाती है, मारुति उद्योग है, फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, रिलायंस की पेट्रोकेमिकल है, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है। सो जो कंपनीज फाइनेंस में डील नहीं करती, किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सेल में डील करती है, दैट ऑल कंपनीज आर नेम्ड एज नॉन फाइनेंशियल कंपनी। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ही इज गोइंग टू बाइफर्केट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है। ए कंपनी ने शेयर्स खरीदे टाटा लिमिटेड के, एंड ए कंपनी इज अ टेक्सटाइल कंपनी, मींस नॉन फाइनेंशियल कंपनी, राइट। एग्जांपल ध्यान से सुनना, ए कंपनी इज अ टेक्सटाइल कंपनी व्हिच परचेज द शेयर्स ऑफ टाटा लिमिटेड। जब कभी भी आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। यही शेयर्स अगर पीकेएफ ने खरीदे, तो पीकेएफ इज फाइनेंसिंग कंपनी और वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है भाई, शेयर्स में डील करना, लोगों को लोन देना इज देयर मेन एक्टिविटी। मैं गाड़ी खरीदती हूँ पर्सनल यूज के लिए, तो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कार बाजार वाले सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, तो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, बिकॉज दैट इज देयर बिजनेस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली जो कंपनीज फाइनेंस में डील करती है और वो कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करती हैं या किसी भी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करती हैं, दैट एक्टिविटी ऑन देयर पार्ट बिकम्स देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो वन मार्क में क्वेश्चन आता है, समटाइम्स ही गिव्स यू द नेचर ऑफ द कंपनी एंड ही आस्क वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी फाइनेंशियल एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी। सो वी विल ट्राई आर बेस्ट टू आइडेंटिफाई हाउ द आइडेंटिफिकेशन इज टू बी डन इन केस ऑफ योर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। सो लेट्स सी, firstly he is giving you the examples of non financial companies, and that examples first, cash received from the sale of goods or from rendering of services। aapko paisa mil raha hai, aap samaan bech rahe hain, aapki operating activity, kyunki operating activity ka matlab hi kya, principal revenue producing activity, jo aapka main kaam hai, उस काम से जब आप पैसा अर्न करते हो, उस सामान की सेल करते हो, और इफ यू आर अ ट्रांसपोर्ट कंपनी तो आप सर्विस रेंडर करते हो, आपको बदले में पैसा मिलता है, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आगे चलते हैं, कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम रॉयल्टीज फीस एंड कमीशन एटसेट्रा। यू आर वर्किंग लाइक एन एजेंट, आपने एजेंसी ली हुई है किसी कंपनी की, तो बदले में आपको कमीशन मिलती है, ठीक है। आपने अपना कोई नाम, यू आर अ ऑथर, ठीक है, और आपने अपने नाम किसी पब्लिशर को यूज करने को दिया है, आपने उसका बुक वगैरह लिखी है, बदले में आपको रॉयल्टी मिल रही है, तो रॉयल्टी का मिलना भी आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, बीआर मैच्योर हुए, डेटर्स का टाइम पीरियड आया पेमेंट करने का, आपको वहां से पैसा मिला, तो वो भी सेल के बदले में ही मिला ना, तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये तीनों जो ऊपर वाली एक्टिविटीज मैंने बोली, हियर बाय कैश इज कमिंग इन, सो दैट ऑल एक्टिविटीज आई विल बी कॉलिंग इनफ्लोज ऑफ कैश, क्योंकि पूरा चैप्टर ही किसमें डील करता है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश में। आगे चलते हैं, कैश पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, जब रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आपकी कैश में पेमेंट होगी, वो परचेजेस ऑफ गुड्स माना जाएगा, और उसे हम लोग आउटफ्लो ऑफ कैश बोलेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ट्रेड रिसीवेबल से मिलने वाला पैसा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ट्रेड पेबल को पे करने वाला पैसा भी, किया जाने वाला पैसा भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, बट दैट विल बी आउटफ्लो। Wages, salaries, rents, etc. That is also your operating activity, but it is again outflow. Cash receipt of premium and payments of claim for an insurance company. बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी insurance company है और आपको अपने client से premium मिलता है, तो वो आपकी operating activity है, because you are dealing in it. आप policies बेचते हो अपने क्लाइंट्स को, जब आप अपने क्लाइंट्स को पॉलिसीज बेचते हो और बदले में आपको प्रीमियम मिलता है, और जब उनको कोई रिस्क होता है तो वो आपसे क्लेम डिमांड करते हैं, तो क्लेम की पेमेंट भी आपकी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रीमियम का मिलना इनफ्लो ऑफ कैश होगा, क्लेम का पे किया जाना बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रीमियम रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज, बिकॉज दैट इज देयर बिजनेस, that is their major revenue producing activity, so this is going to be their operating activity. usne specify bhi kar diya saath mein bracket mein likhe for an insurance company. cash payment of and refund of income tax unless these are identified with
इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अगर खुद कुछ नहीं लिखा तो एवरी टाइम व्हेन यू पे टैक्स आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. अगर आपने पहले ज्यादा टैक्स पे कर दिया उसका रिफंड आता है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. ठीक है, रिफंड का आना आपका इनफ्लो ऑफ कैश होगा, टैक्स का पे किया जाना आपका आउटफ्लो ऑफ कैश होगा. सो दिस वॉज अ लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर आर नॉन फाइनेंशियल कंपनी. थोड़ा सा मैं और बताऊंगी इसके बारे में. व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल कंपनी तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? सिक्योरिटीज का खरीदे जाना, शेयर्स का खरीदना, डिबेंचर्स का खरीदना, उसकी क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. बिकॉज दे आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ ब्रोकर्स, दे आर रनिंग द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज. किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के पीछे उनका मकसद क्या है? कल को शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, वो बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर शेयर्स को दोबारा रीसेल कर देंगे, दे विल अर्न प्रॉफिट. So in that case, they are running a financial company and that will become their operating activity. If they pay interest on loans, payment of interest on loans, इन्होंने खुद लोन लिए हो सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये भी उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब शेयर्स के प्राइस बढ़े तो इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए मार्केट में, उससे जो पैसा आया दैट इज देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कंपनी से डिविडेंड जो मिल रहा है वो भी इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिकॉज दे आर डीलिंग इन शेयर्स. इंटरेस्ट, थैंक गॉड लाइट हैज कम, ओके. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन, पब्लिक को लोन दिए हुए हैं उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी इनकी क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. पेमेंट ऑफ सैलरी, वो हर एक के लिए, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना, बोनस देना, हर तरह की कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है. इसका भी टैक्स का पे किया जाना और रिफंड ऑफ टैक्स दोनों ही क्या होंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे. यहां तक आप प्लीज रीड जरूर करना अपनी बुक में से, सो दैट द टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर टू यू एंड दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द फर्दर थिंग्स, राइट.